हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी 4 बजे। अभी फिलहाल कुछ महीने तो मेरी सुबह की शुरुआत इतने टाइम पे ही और ऐसे ही होगी, जब तक कि मेरे सारे पेपर कंप्लीट नहीं हो जाते या मेरा किसी एक में सिलेक्शन नहीं हो जाता। मुझे अभी तो खुद को खुद से ही मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि अब वो एज नहीं रह गई कि दूसरों के मोटिवेशन से अपना सक्सेस पाए हम। वो टाइम तो अब गया कि जब मम्मी ये कहती थी कि पड़ोसी की लड़की ने ऐसा कर लिया, उसके रिजल्ट इतने आ गए, परसेंटेज ये रहा, वो भी तो तेरे साथ तेरे स्कूल में ही पढ़ती है। अब तो ऐसी एज आ गई है कि देख के दूसरों को लगता है कि यार ये तो मेरे साथ ही पढ़ती थी, इसका सिलेक्शन तो हो गया, मैं कैसे रह रही हूँ। और फैमिली से हट के अकेले रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम फैमिली के साथ होते हैं तो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अभी मैं अकेले रह रही हूँ तो ना मुझे कोई उठाने आता है, ना मुझे कोई पढ़ने के लिए कहता है, अपने टाइमिंग से मैं सब कुछ करती हूँ। तो अभी मुझे बेबी ने कमेंट किया था कि मैं नोट्स कहाँ से बनाती हूँ। तो बेबी, मैंने कुछ नोट्स तो अपने जब मैंने कोचिंग करी है तब के ही रखे हुए हैं, और उसके बाद भी मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं जो कि YouTube से हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कॉलेज के दौरान एवरेज स्टूडेंट रहे हो तो आपको कोचिंग लेनी ही पड़ेगी, अगर आप किसी भी एंट्रेंस पेपर को क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ। मेरे कॉलेज फाइनल ईयर में 82-83% के अराउंड आया था। तो पास आउट होने के जस्ट बाद मैंने 6 महीने की कोचिंग करी थी, लेकिन कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं करी। जैसे मेरी कोचिंग खत्म होने ही वाली वैसे ही मैंने ये जॉब ज्वाइन कर ली, क्योंकि जैसे हम कॉलेज से पास आउट होते हैं तो हमारे अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, या जॉब वाली लाइफ जीने की बहुत ज्यादा चाहत होती है, इसलिए हम प्रिपरेशन पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जब बहुत ज्यादा भीड़ में आते हैं या जॉब के दौरान हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब हमें लगता है कि काश थोड़ी सी मेहनत करके इससे ज्यादा पैसे मिले। भले हमें मेहनत करना पड़े पर पैसे भी तो मिले एटलीस्ट, और सोसाइटी में नाम भी हो, रेपुटेशन भी हो, तो वो और अच्छा लगेगा काम करने में। अभी देखो, हम छत पे आए हैं थोड़ा साफ सफाई करने के लिए, तो बंदर कैसे झांक रहे हैं, जैसे जाल के अंदर से भी हमें काट लेंगे। यहाँ अकेले रहते रहते तो मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली, जैसे एडजस्ट कैसे करना है, खाना बनाना, सारा काम मैनेज करना, अपनी पढ़ाई जॉब के साथ मैनेज करना, और भी बहुत सारी चीजें। कल एक नए तरीके से मैंने दूध का पनीर बनाना सीखा है। जैसे अगर आपके पास नींबू या फिटकरी ना हो तो आप दूध में छाए या आम का अचार भी डाल के उसका पनीर बना सकते हो। और ये बात सुन के मैं इतनी ज्यादा शॉक्ड हुई, लेकिन जब मैंने इसे अप्लाई किया तो सच में दूध का पनीर बन गया। और कुछ लोग YouTube पे टाइटल डालते हैं कि हमारा बिना कुछ नोट्स रिवाइज करे, बिना कुछ पढ़े, बिना कोचिंग करे हमारा सिलेक्शन हो गया, तो भाई हम जैसे लोगों का तो पागल बनाना बिल्कुल ही बंद करो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सब मेरे जैसे ही स्टूडेंट होंगे जिनका बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कॉलेज के दौरान ही इतना पढ़ चुके होंगे कि उनको उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी हो, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके लक ने बहुत ज्यादा साथ दिया हो। लेकिन फिर हम जैसे लोग जब ये टाइटल देखते हैं तब हम बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। और इन्हीं सब टाइटल को देख के मैं इससे पहले गलत फहमी में थी कि शायद कभी ना कभी मेरी भी किस्मत साथ देगी, शायद मेरा भी बिना पढ़े ही कोई ना कोई पेपर क्लियर हो जाए। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा रगड़ना पड़ रहा है खुद को। रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ आजकल मेरी 10-15 दिनों से 9 घंटे की स्टडी तो दिन भर में हो ही जाती है, जैसे कि सुबह उठते ही नोट्स रिवाइज करना, फिर यूट्यूब पे क्लास करना, 2 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करना, 1-2 टेस्ट सीरीज परचेज कर रही है उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद भी कोई कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि यार इसको तो कभी पढ़ा ही नहीं है। और जैसे जैसे पेपर पास आते जा रहे हैं और जैसे जैसे स्टडी तगड़ी होती जा रही है, वैसे ही खुद से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी मैं कर रही हूँ PR यादव के क्वेश्चन सॉल्व। इसमें 1-लाइनर क्वेश्चन ही है जिसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता, बस एक साइकेट्री सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट बेसिस होता है, तो उसमें पढ़ने में और दिमाग लगाने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। लेकिन और सारे सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं कि अगर थोड़े बहुत भी आपने नोट्स रिवाइज करे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर है, मतलब नोट्स वगैरह रिवाइज करे हुए हैं, उसके बाद ही टारगेट हाई पे या सॉन्डर्स, मॉसबी, ये सारे बुक्स पे मूव ऑन करिए। नहीं तो अगर एक बार क्वेश्चंस में उलझ गए फिर फ्रस्ट्रेट ही होना है और फिर छोड़ ही देना है पढ़ाई। जब तक 1-2 बार PR यादव सॉल्व नहीं हो जाती तब तक दूसरे बुक पे मूव ही नहीं करना है। और सच में जिस दिन मुझे ड्यूटी जाना पड़ता है, आने के बाद तो मेरी बैटरी इतनी ज्यादा लो हो जाती है, इसलिए मैं स्टडी सुबह ही उठ के जल्दी से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर शाम का शेड्यूल बनाती तो जॉब के बाद बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पाता वो मुझसे। ड्यूटी से आने के बाद मैं 2 सूट भी सिलाने को दे के आई हूँ, बहुत दिन से पड़ा हुआ था मेरे पास। अभी मैं अपने बालों की चुटिया बना रही हूँ, फिर भिगोए हैं अपने लिए ड्राई फ्रूट। आज का पूरा दिन तो टाइम टेबल के हिसाब से ही रहा। मुंह हाथ धोने के बाद अब मैं सोऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, चैनल को
सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।